नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज मैं आपको इंटाडिन वाइंटमेंट का एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि और भी इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिलते ही रहें। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि ये कौन से ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है, इसकी MRP क्या है, इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, किन किन अवस्थाओं में किया जाता है। चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो इंटाडिन जो है वो इंटास की बनाई हुई एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो इसके प्राइस 51 रुपीज़ है, और ये 20 ग्राम के पैक में आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 ग्राम के पैक में ये आपको मिल जाती है। बात करें इसके अंदर के मॉलिक्यूल की कि इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोविडोन और आयोडीन इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर आप पूरी देखें तो पोविडोन और आयोडीन जो है वो इसके अंदर 5% इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर जो है आप प्लास्टिक की ट्यूब देखने को मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि इसको कहाँ कहाँ पे और किन किन अवस्थाओं में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, या फिर आपको कोई भी सर्जरी हुई है, बड़ी छोटी किसी भी तरह की सर्जरी हुई है, आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फोड़े फुंसी घाव घोस जख्म अगर आपको हुए हैं तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे कट छट गए हैं तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये बहुत ही जल्द और क्विक आपको रिलीफ दिलाता है। चलिए अब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कितने टाइम कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करते वक्त क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं। जहां पर भी आपको इस तरह से प्रॉब्लम है, यानी कि जहां पर आपको सर्जरी हुई है या फिर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुए हैं या फिर घाव घूस फोड़े फुंसी हुए हैं, वहां पे सबसे पहले डिटॉल लिक्विड या सेवलॉन लिक्विड या फिर आप इंटाडिन की ही लिक्विड से साफ कर ले अच्छी तरह से। अगर ये सब अवेलेबल नहीं है तो आप गर्म पानी का सहारा ले सकते हो, उससे आप साफ कर ले, उसके बाद आप इसका यूज करें, वहाँ पर अप्लाई करें तो काफ़ी अच्छी आपको रिजल्ट मिलती है। इसका इस्तेमाल आप सुबह और शाम यानी कि दिन भर में 2 टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप इसके ओवरडोज यूज करते हो तो आपको स्किन में छोटे छोटे दाने जैसे निकल सकते हैं और वहाँ पर जो है आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। तो ये इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंटाडिन वाइंटमेंट की डिटेल जानकारी आपको मिल गई होगी। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।